बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हार्ट के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। हम बेसिक नॉलेज लेंगे आज हार्ट का। इसके बाद फिर पढ़ेंगे हार्ट कैसे काम करता है, हार्ट में क्या और चीज़ें होती हैं, कहाँ से रक्त शुद्ध आता है और कहाँ से अशुद्ध आता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को आज हमें देखना है। तो देखिए, जो हार्ट है ना, हार्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर हम देखें तो इसकी जो उत्पत्ति होती है हार्ट की, मींस जब क्या होता है, भ्रूण बनते हैं तो भ्रूण में तीन जनन स्तर बनता है। मैंने आपको कई बार बताया है, तो उनमें तीन जनन स्तर होते हैं। उसी में से जो उसका क्या होता है, मध्य जनन स्तर, जिसको हम मीजोडर्म कहते हैं, इसी मीजोडर्म से क्या होता है, ये जो देखिए हार्ट का आपको एक कॉम्प्लिकेटेड है ये डायग्राम, ठीक है ना। हम आपको एक बेसिक बताने के लिए इसको बनाए हैं। तो इसकी जो उत्पत्ति होती है वो किससे होती है, मीजोडर्म से होती है। अगर हम बात करें कि इसकी संरचना कैसे, तो हम अपने जब मुट्ठी को बंद कर लेते तो हमारी मुट्ठी बंद मुट्ठी के आकार की ही क्या होती है हार्ट, जो ह्यूमन हार्ट होता है, इसकी आकृति कैसी होती है, एक बंद मुट्ठी के जैसा, ठीक है ना। देखिए यहाँ लिखा भी गया है, जो इसकी हम साइज की बात करें तो ये क्या होता है, जो इसका आकार होता है, याद रहे आकार की बात कर रहे हैं, भार की बात, वजन की बात नहीं कर रहे हैं, आकार की बात, वो 12 सेंटीमीटर से लेकर के कहीं कहीं आपको 8 या 9 सेंटीमीटर, या 9 से क्या होता है 12 सेंटीमीटर। ये देखिए थोड़ा सा इधर का उधर हो गया, इसको बना लेंगे क्या, 8 से लेकर के 12 सेंटीमीटर तक क्या होती है इसकी साइज होती है। ये क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। और ये क्या है, एक बंद मुट्ठी के आकार का एक संरचना है। अगर हम बात करें कि जो हार्ट है, ये हार्ट का वजन कितना होता है हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में जो हार्ट पाया जाता है, इसका वजन देखिए, लड़कों और लड़कियों में इसका वजन क्या होता है, अलग-अलग होता है। जैसे हम लड़कों की बात करें, मेल्स की बात करें, तो मेल्स में 280 से लेकर के 340 ग्राम, या 280 से लेकर के 350 ग्राम तक क्या होता है, नर में होता है। और मादा में जो है वो 250 से लेकर के, या कहीं कहीं आपको 230 लिखा होता है, 230 से लेकर के 280 ग्राम तक होता है लड़कियों में, और लड़कों में क्या होता है 280 से लेकर के कितना जो है कि 340 ग्राम होता है, ठीक है। ये थी इसकी क्या साइज की बात हमने कर लिया। अगर हम बात करें बच्चा कि जो हर्ट है वो कहाँ पाया जाता है, तो कई लोगों के मन में सवाल आता है, सर लोग बोलते हैं जो हर्ट होता है वो हमारे दाहिनी तरफ होता है, ये नहीं, ऐसा नहीं है। हर्ट जो है एकदम हमारे जो दोनों फेफड़ा होता है, उस दोनों फेफड़ों के एकदम बीच में पाया जाता है, ठीक है ना। और हल्का सा उसका जो उभार होता है वो बाईं तरफ होता है, हल्का जो उसका उभार होता है वो बाईं तरफ होता है। ये जो उभार आप देख रहे हैं ना, इस तरह से निकला हुआ है इधर, वो किस साइड होता है, बाईं साइड होता है, याद रखेंगे। हार्ट जो है वो एकदम बीचों बीच, जो हमारा वक्ष है ये ना, थोरैसिक जो है, ये थोरैसिक कैविटी, वक्ष गुहा के दोनों फेफड़ों के मध्य में पाया जाता है, वो भी थोड़ा सा बाईं तरफ झुका हुआ, ठीक है, क्लियर है ना। तो देखेंगे क्या है पोजीशन, अगर हम इसकी स्थिति की बात करें अपने शरीर में, तो ये क्या है, थोरैसिक कैविटी, जो वक्षीय गुहा है, उस वक्षीय गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच या मध्य में क्या होता है ये पाया जाता है, और बाईं ओर क्या होता है, थोड़ा सा झुका हुआ होता है, ठीक है ना, याद रखेंगे। देखिए हम कहेंगे सर, अगर जैसे बहुत लोग आपसे पूछ सकते हैं कि हार्ट कितने प्रकार का होता है, तो आप कहेंगे हार्ट 2 प्रकार का होता है, तो हम लोगों में कौन सा हार्ट पाया जाता है, और ये अगर 2 प्रकार के होते हैं तो कैसे। देखिए हार्ट 2 प्रकार का होता है, एक को हम बोलते हैं मायोजेनिक हार्ट और एक को बोलते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट। देखिए ये दोनों क्या है, जैसे हम इसको समझेंगे तो कैसे समझेंगे, मायोजेनिक हार्ट हम उसे कहते हैं जो हार्ट का जो पंप होता है, जो पंप करते हैं ना स्पंदन, जो उसमें होता है वो क्या होता है, मसल्स के द्वारा होता है, किसके द्वारा, पेशियों के द्वारा होता है, उसको हम मायोजेनिक हार्ट कहते हैं, या यूं कह लें कि जो पूरी हार्ट की बनावट होती है वो किससे बनता है, मांसपेशियों से, पेशियों से बनता है, मांसपेशियों से नहीं, पेशियों से बनता है, तो उसको हम मायोजेनिक हार्ट कहते हैं, या पेशीय जनित क्या बोलते हैं, हृदय बोलते हैं। लेकिन जो न्यूरोजेन क्या होता है, जो कहते हैं कि न्यूरोजेनिक जो हार्ट होता है, वो हार्ट का जो क्या होता है, पूरा कंट्रोल होता है वो माइंड के पास, हम लोगों का भी माइंड के पास होता है, लेकिन हार्ट का जो धड़कना होता है उसमें एक ऐसे नोड होता है ना,
वो हम आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ाएंगे, एसए नोड वगैरह क्या है। तो एसए नोड क्या है, वो किसका बना होता है, पेशी, जिसको हम बोलते हैं क्या, पेशियों का बना होता है छोटा सा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों का जो हर्ट है, हमारे हर्ट पे हमारे नर्वस सिस्टम का, जो हमारा न्यूरॉन्स होता है, उसका कंट्रोल नहीं होता। लेकिन देखिए यहाँ पर दो बातें हैं, एक ये कि जो हमारा हार्ट है, मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिन ऑफ इम्पल्सिस, जो धड़कन है वो कौन निकाल रहा है, मसल्स निकाल रहे, पेशियां निकाल रही हैं। लेकिन जो न्यूरोजेनिक हार्ट होता है, जैसे तिलचट्टा वगैरह में पाया जाता है, तो उसमें जो इम्पल्स होता है वो कहाँ से निकलेगा, वो न्यूरॉन से निकलता है। लेकिन हम लोगों में जो निकलता है वो किससे निकलता है, मसल से निकलता है। इसलिए हम लोग कोमा में चले जाते हैं तो हमारा हार्ट जिंदा रहता है, क्यों, क्योंकि हमारे हमारे मस्तिष्क उसको क्या कर रहा है, इम्पल्स थोड़ी ना दे रहा है, कंट्रोल करता है लेकिन इम्पल्स नहीं देता, ठीक है ना, उसको धड़काता नहीं। धड़काता कौन है, हमारा जो मसल्स है वो धड़काता है, ठीक है ना। लेकिन कॉकरोच वगैरह में कौन धड़काता है, कॉकरोच वगैरह में उनका जो न्यूरॉन्स होते हैं वो धड़काते हैं, ठीक है ना। तो मसल्स कितने प्रकार के, दो, सॉरी, जो हार्ट है वो कितने प्रकार के, दो, कौन सा, मायोजेनिक एंड न्यूरोजेनिक। तो हम लोगों में कौन सा पाया जाएगा, मायोजेनिक जो होता है, पेशी जनित हृदय, हम लोगों में जो हृदय होगा वो पेशियों का बना होगा, और जो उनमें इम्पल्स, जो धड़कन होती है वो किसके कारण होती है, मसल्स के द्वारा। और जो न्यूरोजेनिक होते हैं ये उसका पूरा उल्टा उसमें होता है, ठीक है ना, इतना आप क्लियर रखेंगे। देखिए जो हमारा हृदय है ना, अगर देखिए ऐसे आप देखेंगे तो हम आपको एक सिर्फ सिंपल वे में समझाने का प्रयास किया है, इसमें देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो हमारा हार्ट है ना, हार्ट के चारों तरफ, जो हमारा हार्ट है, इस हार्ट के, हृदय के चारों तरफ क्या होती है, दोहरी झिल्लियां पाई जाती हैं। देखो क्या पाई जाती हैं, दोहरी झिल्लियां पाई जाती हैं। इन दोहरी झिल्लियों को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। हार्ट के चारों ओर दोहरी झिल्ली, डबल मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, जिसे क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। अब आइए जरा इन दोनों के नाम हम देखते हैं। जो बच्चा आउटर मोस्ट क्या होता है, पार्ट होता है, या जो क्या होते हैं, आउटर मोस्ट जो मेम्ब्रेन होती है, जो झिल्ली होती है, उसको हम पेरिएटल, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिएटल पेरिकार्डियम कहेंगे, ठीक है ना, उसको हम बोलेंगे पेरिएटल पेरिकार्डियम। और जो दूसरा हमारा इनर मेम्ब्रेन होता है वो, उसको हम बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम। तो ये दो तरह की झिल्लियां होती हैं, याद रखेंगे, ये जो दोनों झिल्लियां होती हैं, आउटर और इनर जो झिल्लियां होती हैं, इन दोनों झिल्लियों के बीच में क्या होता है, खाली स्थान पाया जाता है, एक स्पेस पाया जाता है। इस स्पेस को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम कैविटी या पेरिकार्डियम स्पेस, क्या बोलेंगे हम इसको, पेरिकार्डियम स्पेस। और एक चीज, इस जो पेरिकार्डियम स्पेस होता है, जो इसके बीच ये खाली स्थान है, इसमें एक तरल पाया जाता है, क्या पाया जाएंगे इसके बीच, तरल पाया जाता है, समझ में आ गया कि नहीं। ये जो तरल है, ये तरल हार्ट को क्या करता है, पहली बात तो इस तरल का नाम क्या है, इस तरल को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम फ्लूड कहते हैं, पेरिकार्डियम तरल कहते हैं। ये पेरिकार्डियम तरल का फंक्शन क्या है, जरा हम ये देखते हैं। देखिएगा इन दोनों झिल्लियों के बीच में सकरा स्थान पाया जाता है, मतलब नैरो, एक सकेस्ती, जिसको सकेस्ती कहते हैं गांव की भाषा में, सकरा स्थान पाया जाता है, जिसे पेरिकार्डियम कैविटी कहते हैं, और पाई कहते हैं ना उसको। और ये जो पेरिकार्डियम कैविटी है, इसमें पेरिकार्डियम फ्लूड भरा होता है, क्लियर है, इसमें कोई आपको दो राय, कोई भी कंफ्यूजन, कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, एकदम क्लियर होना चाहिए। देखिए अब जरा हम पेरिकार्डियम जो फ्लूड है, इस पेरिकार्डियम फ्लूड के फंक्शन को देखते हैं, ये करता क्या है, जो पेरिकार्डियम फ्लूड ये बीच बीच में भरा हुआ है, इसका कार्य क्या है। देखिए बच्चा याद रखेंगे, जो हमारा हर्ट होता है वो क्या है, क्योंकि ऐसे है तो जैसे गिरने वगैरह पे घाव वगैरह लगने के चांसेस होते हैं, तो हमारे हर्ट को बाहरी आघातों और शॉक से, जो क्या होता है, जो विभिन्न तरह के क्या होते हैं, शॉक वगैरह होते हैं उनसे, और बाहरी मैकेनिकल जो क्या होते हैं, कोई भी किसी भी वस्तु से आघात ना हो, उससे क्या होते हैं, जो फ्लूड होते हैं, ये पेरिकार्डियम फ्लूड, वो हार्ट को बचाते हैं, ठीक है ना, हृदय को क्या करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। दूसरा, ये दोनों झिल्लियों को क्या होते हैं, कोलैप्स करने के लिए, जैसे अब ये दोनों झिल्लियां हैं तो हो सकता है कभी ये दोनों झिल्लियां आपस में चिपक जाएं ना, तो कोलैप्स कर जाएंगी आपस में, तो कोलैप्स ना करें तो उसको, कोलैप्स को भी कौन रोकती है, जो फ्लूड पाई जाती है पेरिकार्डियम फ्लूड, जो इन दोनों लेयर या मेम्ब्रेन के बीच में पाई जाती हैं, वो दोनों
को क्या करती हैं, कोलैप्स होने से, एक दूसरे से चिपकने से क्या करती हैं, बचाती हैं। अगला ये क्या है, जो हार्ट का मेम्ब्रेन होता है, हार्ट को ही कह लीजिए, तो हार्ट को क्या करेंगे, पूरी तरह से नम या मॉइस्ट रखने में क्या करती हैं, मदद करती हैं, ठीक है ना। उनको गीला रखने में भी क्या करती हैं, ये मदद करती हैं, हेल्प करती हैं। देखिए जब हार्ट हमारा धड़कता है तो उसमें थोड़ा सा क्या होता है, संकुचन होता है, फूलता है, सिकुड़ता है, जिसको हम डायस्टॉल और सिस्टॉल कहते हैं। अभी हम आपको ये भी आगे पढ़ाएंगे, ठीक है ना। डायस्टॉल और सिस्टॉल इसी को मिला करके 1 मिनट में हमारा हार्ट कितनी बार धड़केगा, 72 बार, ठीक है ना। अभी हम ये चीजें आगे पढ़ते हैं। जब ये डायस्टॉल और सिस्टॉल की प्रक्रिया इसमें होती है, क्या संकुचन की प्रक्रिया होती है, तो संकुचन होने पर कहीं इनमें रगड़ ना आ जाए, क्योंकि दोनों है ना आपस में वो करेंगी, तो रगड़ से भी, घर्षण से भी, फ्रिक्शन से भी कौन बचाता है, ये जो फ्लूड होता है ये हार्ट को बचाता है, ठीक है। तो ये इसका क्या था, फ्लूड का कार्य हो गया। अब जरा आगे देखते हैं। देखिए कहा जाता है हमारे हार्ट के क्या होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, कितने, 4, याद रखेंगे। 2 को हम आर्टिया कहते हैं, आर्टियोल कहते हैं, और 2 को वेंट्रिकल कहते हैं। तो देखिए आर्टिकल या इसको हम अलिंद कहते हैं, जो हमेशा याद रखेंगे दोनों अलिंद होता है, जो दाहिने और बाएं तरफ होता है, दोनों अलिंद ऊपर की साइड होता है, दाहिना अलिंद और बायां अलिंद क्या होंगे, दोनों अलिंद ऊपर की साइड, और दोनों नीले जो होते हैं वो नीचे की साइड, ठीक है ना। अब जैसे हम कहें कि 2 अलिंद हो गया और 2 नीले हो गया, क्लियर है। तो अब देखेंगे हम कहेंगे सर कि जो अलिंद है वो किस साइड होता है और जो नीले है वो किस साइड होता है। अगर हम दाहिना और बायां दोनों अलिंद को कहेंगे तो वो ऊपर होता है, और जब दोनों निलय को कहेंगे, दाहिना और बायां निलय, तो वो क्या होते हैं, दोनों नीचे होते हैं, ठीक है ना। हमेशा याद रखेंगे निलय नीचे, अलिंद ऊपर, अ से ऊपर, जैसे आप याद करने के, न से नीचे, तो आपको याद हो जाए, अग जहां आ गया तो अपर साइड, अ से अपर साइड, न से नीचे, ठीक है ना। तो निलय क्या है, नीचे, और जो अलिंद है वो कहां है, ऊपर, आर्टियोल क्या है, ऊपर, और जो क्या है वेंट्रिकल वो क्या है, नीचे, क्लियर है। इसमें आप कोई कंफ्यूज नहीं करेंगे। अब जाहिर सी बात है, अगर दाहिने तरफ अगर अलिंद और निलय है तो दाहिने तरफ को हम क्या बोलेंगे, जैसे दाहिने, ये दाहिना नहीं ये बायां है, जैसे दाहिने तरफ है तो हम दाहिने तरफ बोलेंगे, ऊपर है तो दाहिना क्या अलिंद, नीचे है तो दाया दाहिना निलय, बाई तरफ है तो बाया अलिंद, और फिर नीचे है तो बाया निलय, क्लियर है ना। ठीक है, देखिए जो इसके, ये जो हम आपको 2 वाल बताए हैं, इन दोनों वाल को छोड़ करके, इन दोनों वाल को छोड़ करके इनमें क्या होते हैं, 3 लेयर, इसकी हार्ट की खुद 3 लेयर पाई जाती हैं, 1 2 3, इन दोनों को छोड़ करके 1 2 3, जिसके कारण ये क्या होते हैं, फंक्शन कर पाते हैं ना। इसमें ऐसे नोड होता है वो क्या करते हैं, अभी सारी चीजें हम आपको एक एक करके क्लियर करते चले जाएंगे। देखिए जैसे हम इसमें देखेंगे, जो पहला वॉल होता है इसका, जो पहली दीवार होती है, उसको हम इपिकार्डियम कहते हैं। किस क्या बोलते हैं, इपिकार्डियम। इपिकार्डियम क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है। आउटर मोस्ट क्या है, हार्ट का जो है सबसे बाहरी परत होता है, ठीक है ना, सबसे बाहरी परत, जो किसका बना होता है, ये स्क्वेमस इपिथिलियम, सिंपल स्क्वेमस इपिथिलियम, जो क्या है, एक जंतु ऊतक है जिसका नाम है सरल सल्की उपकला ऊतक, इसी का क्या होता है, ये बना होता है। और याद रखेंगे जो दूसरा है जिसको हम मायोकार्डियम कहते हैं, ये मोटी होती है, सबसे ज्यादा मोटी यही होती है, मोटी हुआ क्या होता है, बीच की परत है, ठीक है ना, मिडिल क्या है, लेयर है, और ये क्या होते हैं, कार्डियक मसल से बने होते हैं, ठीक है, इनमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं करना है। और लास्ट वाला है इनर मोस्ट लेयर, जिसको हम इंडोकार्डियम कहते हैं, ठीक है। इंडोकार्डियम क्या है, ये सबसे निचली और सबसे पतली परत होती है, ये भी क्या होते हैं, सल्की उपकला ऊतक के ही क्या होते हैं, ये भी बने होते हैं। तो ये पूरी चीजें अभी हम आपको आगे और देखते हैं, नेक्स्ट वाले वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे कि किसमें क्या होता है, हार्ट में किस साइड से, कहाँ से, कैसे रक्त का जो बहाव है वो कैसे होता है, इन सब चीजों को अभी हम आगे देखेंगे। तो एक बार इसको देख लीजिएगा, जरा एक बार इसको फिर से हम कंफर्म कर लें कि जो हमारा मायोजेनिक हर्ट है, ठीक है ना, हमने आपको अभी बताया कि हर्ट 2 तरह का, क्या कौन कौन सा, एक को हम बोलेंगे क्या मायोजेनिक हर्ट, एक को बोलेंगे न्यूरोजेनिक हर्ट। हम लोगों में कौन सा हर्ट पाया जाता है, मायोजेनिक हर्ट। मायोजेनिक हार्ट का स्पेशल कैरेक्टर, उसका मुख्य लक्षण ये होता है कि वो, उसका जो धड़कन होता है, मींस जो इंपल्स उसमें होते हैं वो मसल्स के द्वारा होता है,
और जो न्यूरोजेनिक हर्ट होते हैं उसमें जो इम्पल्स होता है वो न्यूरॉन्स या नर्व कोशिकाओं के द्वारा होता है, ठीक है ना। वो मसल्स, कॉकरोच, तिलचट्टा, इन सब में पाया जाता है न्यूरोजेनिक। और मायोजेनिक क्या होते हैं, हम सब में पाए जाते हैं। क्लियर है? तो एक बार इसको देख लीजिएगा, फिर हम आगे अब पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में कि इनमें फ्लो कैसे होता है। इसके बाद तब हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। क्लियर है? विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।